बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर चिकित्सक को पत्र भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बेलदौरी पुलिस ने 5 दिनों में प्रकरण की गुत्थी सुलझाकर फैशन डिजाइनर महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी शीतल वसंत इटनकर शिल्पा सोसाइटी है। शीतल के पति सरकारी विभाग में अभियंता है। उन्हें 1,30,000 रुपए वेतन मिलता है। उन्होंने 50 लाख का कर्ज लेकर घर बनाया है। हर माह 60,000 कर्ज की किस्त जाती है। शेष राशि में शीतल के पूरे खर्चे नहीं होते हैं। फैशन डिजाइनर शीतल बुटीक खोलना चाहती थी। पति के पैसे नहीं देने से रिश्ते में दरार आ गई थी। सितंबर 2020 में कोविड उपचार के लिए इटनकर दंपति मनीष नगर स्थित डॉक्टर तुषार पांडे के हॉस्पिटल गए थे। पांडे की पत्नी भी चिकित्सक है। पांडे दंपति की प्रैक्टिस से शीतल को उनके काफी धनवान होने का भरोसा हुआ। उसे पांडे के फेसबुक अकाउंट से 2 बच्चे होने का पता चला। शीतल ने बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर पांडे से पैसे ऐंठने की योजना बनाई। उसने 10 जून को धमकी भरा पत्र कुरियर से भेजा, जो दूसरे दिन शाम 5:30 बजे डॉक्टर पांडे को मिल गया। पत्र में दोनों बच्चों को अगवा करने की धमकी देते हुए प्रत्येक के बदले 50-50 लाख रुपए मांगे गए थे। 17 जून की तड़के 4 बजे तक नरेंद्र नगर के एक निर्जन स्थान पर 1 करोड़ रुपए रखने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर बच्चों की हत्या की धमकी दी गई थी। 11 जून को ही डॉक्टर पांडे ने बेलदौरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पत्र ओमकार नगर के एक कुरियर सेंटर से भेजा गया था। सीसीटीवी की जांच में पुलिस को एक मोपेड सवार महिला संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। महिला को खोजते हुए पुलिस रामटेके नगर पहुंची। मोपेड के नंबर से महिला की शीतल होने का पता चला। पति के वेतन पर आसानी से घर और बेटियों की पढ़ाई का खर्च वहन किया जा सकता था, लेकिन शीतल खुद का बुटीक खोलकर बिजनेस वुमन की पहचान बनाना चाहती थी। इसी अति महत्वाकांक्षा में उसने अपराध का मार्ग अपनाने की पहले कुछ नहीं सोचा। उसे लगा कि पत्र से भयभीत होकर पांडे दंपति आसानी से रुपए दे देंगे। शीतल को भी वेब सीरीज देखने की लत है। इससे वेब सीरीज देखकर योजना बनाए जाने की आशंका है। हालांकि शीतल इससे इनकार कर रही है। उसका कहना है कि वह किसी भी हाल में पैसे हासिल करना चाहती थी। पैसों के लिए शीतल के अवसाद में भी होने का पता चला है। परिजन उसका इलाज भी करवाने वाले थे। 11 तारीख को हमारे तरफ डॉक्टर पांडे जो फिरेली है ये आए और उन्होंने बताया कि मुझे एक पत्र आया है और पत्र में 1 करोड़ रुपए की मांग किया है, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, ऐसी धमकी दिया था करके हम लोगों ने उसके ऊपर से प्राइमरी इंक्वायरी किया। वो और आरोपी मैंने अज्ञात आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल किया। उसमें हमने तपास किया, वो जो पत्र आया था वो कुरियर के माध्यम से आया था, तो हमने कुरियर के माध्यम से तपास किया, तांत्रिक पद्धति से तपास किया और उसमें हमें सीसीटीवी और तांत्रिक माध्यम से तपास करने के बाद ऐसा पता चला कि उसमें एक लेडी सम्मिलित है। उसके बाद आज सुबह हमने उसमें एक लेडीज को उसमें अटक किया है। वो मनीष नगर में रहने वाली लेडी है, 46 ईयर की है और उसका 19 तारीख तक PCR लिया है। आगे की जांच चल रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।